नहीं, पूरी स्पीच, द वर्जन ऑफ द स्पीच, पूरी स्पीच लिखी है, एक एक लाइन लिखी है कि जो मैंने बोला है, और उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की थी जो कि किसी भी धर्म के बीच में नफरत फैलाए। मैंने बात की थी देश की अखंडता की, यूनिटी की, सद्भावना की। मैंने बात की थी एजुकेशन की, हेल्थ की, एम्प्लॉयमेंट की, इकोनॉमी की, रोड की, हाउसिंग की। मैंने बात की थी उन 70 बच्चों की जो बीआरडी में मर गए हैं। मैंने बात की नहीं उन 8 लाख बच्चों की जो इंडिया में मर गए थे उस साल। मैंने बात की थी कि हमारे 50% बच्चे कैसे कुपोषण का शिकार हैं। मैंने बात की थी कि इंडिया कैसे एड्स और एचआईवी का हब बनता जा रहा है। मैंने बात की थी कि 72% ऑफ पॉपुलेशन हमारी अभी भी हेल्थ स्ट्रक्चर वहाँ पे है ही नहीं। आज हालत दिखाई दे रही है ना, आज कह रहे हैं हम इतना जीडीपी खर्चा करेंगे, 1% जीडीपी खर्चा होता था। एक गरीब को इलाज नहीं मिलता है और मर जाता है तो बेचारे कंधे पे लाद के लेके चले जाते हैं। उसके लिए लड़ रहा था, कैंप किया, पूरा इंडिया घूमा, 103 कैंप किए, 50,000 बच्चों को देखे, मुफ्त में दवाइयाँ दी। अकेले नहीं किया, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से लोग मेरे साथ शामिल थे, बहुत लोगों ने साथ दिया। पर हुआ क्या, उसको भी दबा दिया गया इस कोरोना टाइम के। मैं जब रियली काम कर सकता था, शायद कोई नई दवा खोज सकता था कोरोना के खिलाफ, शायद कोई नई वैक्सीन खोज सकता था, टीका खोज सकता था, उस वक्त जेल में डाला। बहरहाल बाहर आ गया हूँ, कोशिश करूँगा और फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूँगा कि मुझे नौकरी पे वापस ले लें। 3 साल से सस्पेंड किए हुए हैं। कैसे ज़िंदगी चल रही है, कैसे फाइनेंशियल कंडीशन है आपको बता नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फीस कैसे भरी गई है बता नहीं सकता। अभी यूपी से घर नहीं गया हूँ, गोरखपुर नहीं गया हूँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सरकार अभी किसी न किसी केस में फंसाने की कोशिश कर रही है, फिर से कुछ कर दें या इनकाउंटर कर दें, मरवा दें। हो सकता हो आपके बीच में ना रह पाऊँ, हो सकता हो ये हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात हो। यादव जी,